स्पाइरुलिना मतलब एक सुपर फूड बोलता है. रिसेंटली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस दैट स्पाइरुलिना एक सुपर फूड है. एवरेज मंथ में हमको ए पॉन्ड्स में 200 केजीज पर मंथ कैपेसिटी है. सो एनिमल्स के लिए ये पूरा 800 को बेचता हूँ मैं. ह्यूमंस के लिए 1400 सेल करता हूँ. अगर सिर्फ एनिमल के लिए आप दे रहे हैं तो समथिंग 1,60,000 रुपये का आप यहाँ से पर मंथ के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. दोस्तों आज हम सुल्लरपेट आंध्र प्रदेश के अंदर और मिलने आए हम भरत जी से. भरत जी यहाँ पे पिछले 7 महीने से सुपर फूड की फार्मिंग कर रहे हैं. सुपर फूड का नाम है स्पाइरुलिना. वो ये खेती जानवर के लिए और आदमियों के लिए दोनों के लिए कर रहे हैं और मात्र 1,000 मीटर से हर महीने 1,00,000 का शुद्ध मुनाफा वो कमा रहे हैं. चलिए जानते हैं कि आखिर ये स्पाइरुलिना है क्या. नमस्ते भरत जी. नमस्ते सर. यहाँ पे जो आप स्पाइरुलिना कर रहे हो कितने एरिए के अंदर कर रहे हैं. ये बोलते 17 सेंट्स 1/4 एकर में कर रहा हूँ. और कितने दिन से कर रहे हैं. 6 महीने से कर रहा हूँ मैं. सर स्पाइरुलिना काई होती है या एग्जैक्टली और कुछ चीज़ होता है एक्वा के अंदर. स्पाइरुलिना मतलब एक सुपर फूड बोलता है. रिसेंटली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस दैट स्पाइरुलिना एक सुपर फूड है. अभी नासा वाले लोग स्पेस जाने में थोड़ा प्रोटीन फूड के लिए स्पाइरुलिना लेके जाता हूँ क्योंकि उसी स्पाइरुलिना में उतना ज़्यादा 19 टाइप्स ऑफ विटामिन्स है, 19 टाइप्स ऑफ मिनरल्स है और 60 to 70% प्रोटीन मिलता है एक ही स्पून में. तो जैसे आपने स्टार्ट किया तो अभी लोगों के अंदर जैसे आप बेच रहे हैं तो क्या रेट में जा रहा है वो हमें बताइए. ये अभी देख रहे ना वो ओपन पॉन्ड्स है. वो ओपन पॉन्ड्स मतलब मैं ह्यूमंस के लिए नहीं बेचता हूँ क्योंकि छोटा छोटा इंसेक्ट्स उसमें आ सकता है. सो मेरे को दूसरा पॉन्ड है वो पूरा पॉलियोज के अंदर कवर्ड शेड्स डाल के उसके अंदर मैं कर रहा हूँ. वो ह्यूमंस के लिए बेचता हूँ. सो एनिमल्स के लिए ये पूरा 800 को बेचता हूँ मैं. ह्यूमंस के लिए 1400 सेल करता हूँ. तो ये जैसे 1/4 ऑफ एकर है इसके अंदर अगर पर मंथ के हिसाब से प्रोडक्शन की हम बात करें तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है. प्रोडक्शन मतलब एवरेज मंथ में हमको ए पॉन्ड्स में 200 केजीज पर मंथ कैपेसिटी है. 200 केजी. और अगर सिर्फ एनिमल के लिए आप दे रहे हैं तो समथिंग 1,60,000 रुपये का आप यहाँ से पर मंथ के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. और इसमें खर्चा कितना हो जाता है. खर्चा मेरे को मेडिसिन कुछ यूज़ कर रहा है इसमें वो मेरे को 40,000 लेते पूरा मेडिसिन पूरा लेने के लिए. और मेरे पास एक आदमी है वो मेरे को हेल्प करने के लिए उसको और पावर बिल पूरा डाल के मेरे को 60,000 खर्चा होता है. तो मतलब नेट प्रॉफिट आपका 1,00,000 हो रहा है. 1/4 ऑफ एकर से. अभी हार्वेस्टिंग बताइए सर कि स्पाइरुलिना की हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं. हार्वेस्टिंग मतलब हम मैन पावर कुछ नहीं यूज़ कर रहा हूँ. हम पूरा सेमी ऑटोमेटिक प्लान किया था. सो सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है हम मोटर्स यूज़ करता हूँ सेंसर्ड मोटर्स. और मोटर्स क्या करता है पानी से स्पाइरुलिना होता है ना वो पूरा निकाल के मोटर्स निकाल के इधर से आएगा पानी आउटपुट. एक क्लॉथ को क्या बोलता है नाइलॉन 500 GSM बोलता है. तो इसी क्लॉथ में स्पाइरुलिना नीचे नहीं जाता है. सो इधर स्ट्रक होएगा बट पानी नीचे जाएगा. सो कुछ पानी है तो स्पाइरुलिना में वो पानी नीचे जाके फिर वापस जाके फिर टैंक के अंदर जाता है. स्पाइरुलिना कुछ है आएगा ना वो पूरा क्लॉथ का ऊपर स्ट्रक होएगा. ये क्यों लगाया आपने इसके ऊपर. ये ओपन पॉन्ड है ना ओपन पॉन्ड में थोड़ा थोड़ा इंसेक्ट्स कुछ आता है ना वो पूरा फिल्टर करने के लिए ये बनाएगा. तो इससे स्पाइरुलिना नहीं रुकेगा क्योंकि ये बड़ा होल्स है. सो माइक्रोस्कोपिक 500 माइक्रोस्कोपिक क्यों मतलब नाइलॉन 500 माइक्रोन्स मतलब वो माइक्रोस्कोपिक में होल्स आएगा. सो हम दिखाने के लिए हमको नहीं दिखेगा होल्स. सो वो अलग क्लॉथ है उसमें स्पाइरुलिना मत स्टक होएगा. अभी मैं ऑन कर रहा हूँ. तो अभी ये यहाँ से पानी निकल कर ऐसे नीचे जाएगा. फिर ये पानी नीचे जाएगा जी. पानी नीचे जाएगा स्पाइरुलिना उधर स्टक होएगा. जी. तो वो पूरा पानी बाहर जाएगा अंदर फिर टैंक के अंदर जाएगा स्पाइरुलिना इधर रुकेगा. ठीक है हम स्पाइरुलिना लेना है. ये प्रोसेस पूरा एक घंटा ले लेगा. तो अभी स्पाइरुलिना नहीं आता है ऐसे जाने के बाद. एक घंटा जाने के बाद हम स्पाइरुलिना इधर आएगा इसमें. तो अगर मान लीजिए जैसे सारा का सारा जो स्पाइरुलिना है आपने यहाँ पे निकाल लिया तो कल्चर के लिए क्या बचेगा. बाकी कुछ बचेगा ही नहीं.
बाकी है, हम पूरा नहीं निकलता हूँ तो हमको कैपेसिटी बोलेगा, एक पॉन्ड में हम एक दिन में 50 किलोस आ रहा है तो हम ओनली 40 किलोस ले रहा हूँ, बाकी 10 किलोस उसी में होएगा, तो वो क्या होता है नेक्स्ट डे के लिए मल्टीप्ले होता है जी जी। तो हम ऐसा करता हूँ। तो जैसे मंथ के हिसाब से तो आपने 200 केजी बताया था, अगर जो आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो पर डे के हिसाब से कर रहे हैं या कितने दिन के गैप पे कर रहे हैं? डेली कर रहा हूँ हार्वेस्टिंग, डेली कर रहा हूँ मैं, एक दिन को लिए 7 और 8 किलो मिलेगा, 7 और 8 किलो मिलेगा पर डे के हिसाब से। वो अप एंड डाउन होता है, एक दिन 10 किलो मिलता है, एक दिन 4 किलो मिलता है, ऐसा पूरा के मेरे को एवरेज में हम मंथली मेरे को 200 किलो। तो हर दिन हार्वेस्टिंग करना जरूरी है अगर 4 से 5 दिन रुक जाए? नहीं, मतलब तुमको डेली मिल रहा है ना, क्यों रुकने के लिए ज़रूरत क्या है? इसलिए अभी देखेगा तो इधर स्पाइरलिन आ गया, ये स्पाइरलिन आया हमको दिखा रहा है ना, ये आ रहा है स्पाइरलिन, ठीक है, वो पूरा स्पाइरलिन है, वो एक घंटा जाने के बाद हमको पूरा रुकेगा। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद क्या करते हैं, हम वॉश करता हूँ स्पाइरलिन, वॉश करता हूँ, ये वॉश करने के बाद क्लीनिंग होता है, क्लीनिंग होने के बाद सन ड्राई हो पर्पस प्रोसेस होता है, ये ड्राई प्रोसेस में बैक्टीरिया और कुछ वगैरह इन्फेक्शन के तो वो पूरा निकलता हूँ, वो होने के बाद ड्राई करके, ड्राई करने के बाद ग्राइंडिंग करता हूँ, ग्राइंडिंग में कुछ मॉलिक्यूल्स है, डिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, वो पूरा निकलता हूँ, और उसके बाद हम पाउडर करता हूँ, पाउडर करके बाद पैक करके हम बेचता हूँ, कोई किसको ऑर्डर आ गया तो हम ऑर्डर बेसिस में पाउडर करके बेचता हूँ। ये 2 ईयर्स को एक्सपायरी डेट है तो उतना ज़्यादा स्पॉइल नहीं होता है, तो 2 ईयर्स ऐसे घर में एक डब्बा में रखेगा तो 2 ईयर्स ऐसे ही होता है, तो हमको कब भी चाहिए उसी टाइम में ओपन करके यूज़ करना। और जैसे ये जो चप्पू चल रहे हैं यहाँ पे, ये किस हिसाब से चलते हैं, टाइमिंग है या खुद चलाते हैं या कभी भी चलाइए? नहीं, वो उसके मैं टाइमर सेट कर दिया, और टाइमर में क्या एक घंटा में 60 मिनट्स होता है, 60 मिनट्स में 50 मिनट्स रेस्ट में होता है और 10 मिनट मूवमेंट में होता है, क्योंकि क्या मतलब सन डायरेक्ट पानी में डाल रहे हैं ना, सो ऊपर पानी बहुत हीट होता है, नीचे पानी बहुत कूल होता है, सो ये कंट्रोल करने के लिए क्या हम क्या कर रहा हूँ, वो रोड चालू कर रहा हूँ, तो मतलब वो क्या करता है, नीचे पानी ऊपर आने के लिए हेल्प करता हूँ और ऊपर पानी नीचे जाने मतलब के लिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 50 मिनट्स में ऊपर पानी पूरा गर्म होता है, नीचे पानी भी कूल होता है, इसलिए हम 50 मिनट्स के बाद हम रोटेट करने के बाद ऊपर पानी नीचे पानी की ऊपर आता है, सो ये कूल पानी फिर 50 के मिनट्स बाद और ये भी गर्म होता है, नीचे पानी कूल होता है, ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप बात करें इसकी स्पाइरलिन की कल्टीवेट कैसे करते हैं तो वो बताइए। सो फर्स्ट हम वाटर चेक करना है, वाटर चेक करने के बाद हम वाटर स्टोरेज करने के लिए टैंक्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, क्योंकि मैं सीमेंट ब्रिक्स यूज़ करके कंस्ट्रक्ट किया था, सो ज़्यादा लोग आयरन रॉड यूज़ करने के लिए कौन सा चीपर वे वो चूज़ करके वो पूरा स्ट्रक्चर डाल दो, डालने के बाद हम मैं सीमेंट ब्रिक्स यूज़ किया, मैं फ्लोरिंग डालेगा तो फ्लोरिंग मेरे को एक पॉन्ड में 6 लाख का एस्टिमेशन आ गया मेरे को, क्योंकि पानी उसमें स्टोर करने के लिए हम बेसमेंट डालना है, उसके बाद फ्लोरिंग डालना है, वो पूरा कच्चा होता है, ये मैं ये शीट यूज़ किया, ये बोलते हैं तारपलिन शीट्स, HDPE तारपलिन शीट्स बोल रहा है, जियो मेम्ब्रेन, या जियो मेम्ब्रेन, सो अभी ये 500 GSM बोलते हैं, सो वो यूज़ करके मैं पूरा शीट कवर दिया, इसमें डाल दिया, ये मेरे को 1.5 लाख में हो गया पूरा कच्चा पूरा हो गया, क्योंकि मैं उधर 6 लाख 5 लाख सेव किया, सो ये यूज़ करके ये मेरे को 5 ईयर्स आता है, किधर मतलब थोड़ा डैमेज आ गया तो हम टायर को पैच डालता है ना, ऐसा डालेगा तो चल जाएगा, सो पानी अंदर लीक नहीं होता है, सो ये कॉन्सेप्ट बेस करके मैं पूरा इसमें डाल दिया और पानी इसमें निकाल के पानी अंदर भेज दिया। उसके बाद मैं कल्चर लेके आ गया, मैं लूनर बोल के एक सीड था, एक स्पीशीज वेराइटी वो यूज़ कर रहा हूँ, वो हमको बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, इसलिए रिसर्च करके वो लेके आ गया मैं, वो डाल करने के बाद 15 डेज, फर्स्ट 15 डेज हमको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो वाटर में डालने के बाद वो ग्रो आने के लिए 15 डेज टाइम लगता है, तो 15 डेज के बाद 16th डे से हम डेली निकल सकता हूँ, तो 16th डे से टोटल 365 प्रोडक्शन आ गया आपका, प्रोडक्शन आ रहा है। तो जैसे आप पानी का बता रहे थे कि पानी आपने चेक किया, तो पानी में चेक क्या करना होता है, और दूसरी चीज़
कितना पानी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से पॉन्ड में ये चलते ही रहता है तो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम आर ओ या कुछ चीज़ और लगा के उसको मैं डाले ऐसे एरिया के अंदर भी जहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ पे किया जा सकता है क्या है? हमको पहले तो वाटर चेक करने में पीएच चेक करना है, पीएच कितना है वो चेक करना है, हार्डनेस कितना है चेक करना है, और हेवी मेटल्स उस पानी में कुछ हेवी मेटल्स है क्या वो पूरा चेक करना है, और क्लोरीन है और नहीं है वो भी चेक करना है, क्योंकि क्लोरीन है तो क्लोरीन मतलब वो ब्लीचिंग कंटेंट है, सो वो नॉर्मल वो है तो स्पाइरलिना कुछ डेवलप नहीं होता है, सो वो चेक करना है, वो चार चेक करे तो बस बाकी पूरा कोई पानी हम डाल सकता हूँ। तो एक बार जैसे अपने पानी डाला तो कितने दिन बाद पानी रिप्लेस करना पड़ता है? रिप्लेसमेंट हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पानी मैं 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और 2-3 ईयर्स में नेक्स्ट 2-3 ईयर्स आई यूज सेम वाटर, बिकॉज क्योंकि ये पानी में ऑलरेडी स्पाइरलिना है वो ग्रो होते रहता है, तो हम चेंज करने के लिए ज़रूरत नहीं है जी। या अपने लाइसेंस के बारे में बताया, तो लाइसेंस के लिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, फसाई का चाहिए किस चीज़ का? नहीं मतलब हम ह्यूमंस के लिए दे रहा हूँ, तो हमको ये मेडिसिनल प्रोडक्ट है इसलिए हमको लाइसेंस चाहिए, हम ये आयुर्वेद सेक्टर के अंदर नीचे आता है, तो हम आयुर्वेद सेक्टर लेना है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट FSSAI दे रहा है, हम यूज़ करने कंज्यूम करने के लिए और सेल करने के लिए FSSAI लाइसेंस चाहिए, और ISO IVO 3 different लाइसेंस है वो पूरा हमको चाहिए, क्योंकि लाइसेंस नहीं है तो हम इलीगल कल्चर बन रहे हैं, सो फार्मिंग के लिए कुछ लाइसेंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर के नीचे आता है, सो हमको लाइसेंस कुछ नहीं चाहिए, बट वो सेल करने के लिए हम प्रोडक्ट सेल करने के लिए लाइसेंस चाहिए FSSAI से। फसाई चाहिए और दूसरा ISO और FSSAI लाइसेंस चाहिए, IVOS एंड IAS ये तीनों चाहिए। और ये कहाँ से आप? ऑनलाइन में, ऑनलाइन FSSAI वेबसाइट है वो उधर उसमें अप्लाई करने का तो 2 वीक्स में आता हूँ। एक और चीज़ जैसे आप फूड ग्रेड या दूसरी चीज़ें बता रहे थे, तो क्या फूड ग्रेड जो भी आप फर्टिलाइजर से अलग चीज़ें बता रहे थे वो केमिकल है या ऑर्गेनिक है, हमें ये बताइए, क्योंकि ये जो यील्ड आ रहा है ये केमिकल हो सकता है, फिर फ़ायदा क्या होगा उसका? सी मैं एनिमल्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ ये पॉन्ड में, ये किसके लिए यूज़ होता है मतलब प्रॉन्स एक्वाफिल फिशेस प्रॉन्स एंड डायरी फॉर्म्स बनते ना प्रोटीन के लिए, और ये पोल्ट्री बोलता है मतलब हेंस और ओशेट्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ, पूरा हम फूड ग्रेड केमिकल्स बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, क्यों मतलब हम इडली डोसा में यूज़ करते हैं ना बेकिंग सोडा बोलते हैं, वो बेकिंग सोडा यूज़ कर रहा हूँ, और नीम ऑयल विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नीम वो यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो इंसेक्ट्स के लिए एंटीबायोटिक है, सो हम फर्टिलाइजर्स किधर भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फर्टिलाइजर्स से तो एनिमल्स भी इफेक्ट होता है, इसलिए वो हम पूरा अवॉइड करके में हम पूरा फूड ग्रेड मेड्स वो नेचुरल प्रोडक्ट है, नीम ऑयल बोलेगा तो नेचुरल प्रोडक्ट है वो यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ और दूसरा मेडिसिन से वो हम रिक्वायरमेंट बेस करके यूज़ करता हूँ, मतलब अभी रेन्स के इंसेक्ट्स आ गए तो हम नीम ऑयल यूज़ करता हूँ, और कुछ आ गया तो दूसरा वाला यूज़ करता हूँ, मतलब कि इसमें ही नीम ऑयल, क्योंकि इंसेक्ट्स मेरे ख्याल से ओपन वाले में आते होगा, क्लोज वाले में तो क्लोज वाले में नहीं आता हूँ, वो मैं हम टेक केयर करता हूँ, क्योंकि अंदर जाने के लिए स्पेस भी नहीं है उसको, पूरा नेट्स डाल के और पूरा कुछ टेक केयर करता हूँ, अंदर टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हूँ, सो एग्जॉस्ट मिलेगा अंदर, सो कुछ आगे है तो भी वो उधर ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता है, बाहर हम बेचता हूँ मेडिसिन ये आगे है तो मस्कीटोस आ गए तो हम नेट बना के और मस्कीटो नेट से अंदर वो फुल टेक केयर कर रहा हूँ। क्यों दोस्तों, भरत जी ने सारी डिटेल हमें स्पैरोलिना के बारे में बताई, कैसे कल्टीवेशन करते हैं और कहाँ पे वो सेल कर रहे हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें होती है। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए इसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, भरत जी का नंबर आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और ये वाली वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।